ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं सेजिटेरियस साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा। ये एक जनरल रीडिंग है, और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। और डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो लेट्स बिगिन द रीडिंग ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट, और देख लेते हैं कि सेजिटेरियस यानी कि धनु राशि के लोगों के लिए ये हफ्ता क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। अप्रैल 8 to 14, 8 से 14 अप्रैल के बीच में, लेट्स फाइंड आउट। ट्रैवल का कार्ड आ रहा है, सो यू कैन ट्रैवल, ओके। और इट्स अबाउट अ लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन, किसी से कोई बात हो सकती है, कम्युनिकेशन हो सकती है, या आप एक्चुअली में ट्रैवल कर सकते हैं सेजिटेरियस। अपॉर्चुनिटीज़ का कार्ड आ रहा है, ओके। सो एक्साइटिंग एक्सपीरियंस, ये एक एक्सपीरियंस है, ओके, कि आप कुछ अच्छा एक्सपीरियंस कर सकते हैं आने वाले समय में। करियर एडवांसमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए भी अच्छा पीरियड है। फैमिली रीयूनियन, किसी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, बहुत एक्साइटिंग टाइम दिखाई दे रहा है। अपने फ्रेंड्स से मिल रहे हैं, फैमिली से कनेक्ट कर रहे हैं, हो सकता है काफ़ी टाइम में मिले ना हो, बात ना हुई हो, ठीक है। और समबडी अननोन आपकी कोई मदद कर सकता है, या हो सकता है आपकी लाइफ में कुछ ऑफकोर्स चेंजेस आ सकते हैं, सम पॉजिटिव चेंजेस। तो अच्छी एनर्जी दिखाई दे रही है। बर्न आउट, बिकॉज यू आर टायर्ड, आप बहुत यू नो थक गए हैं काम कर करके, बर्न आउट का कार्ड आ रहा है। दैट मीन्स कि यू आर रियली वर्किंग हार्ड, आप किसी चीज़ में बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, और आपको बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा था खुद के लिए, बट अब ऐसा लग रहा है दैट कि आप खुद को टाइम दे रहे हैं। आपकी हेल्थ नीड्स टू बी मेंटेन, हेल्थ को टाइम देने की ज़रूरत है इस टाइम सेजिटेरियस। यू नीड टू चेक विद योर डॉक्टर, डेंटिस्ट, हेल्थ प्रोफेशनल। हो सकता है कि हेल्दी लाइफस्टाइल आपको मेंटेन करने की ज़रूरत है, और ये सब चीज़ों से आप डिसकनेक्टेड हो रहे थे। यू नीड टू सी अ डॉक्टर अगेन, ये चीज़ें हो सकती हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं, और हो सकता है ट्रैवल इज़ ऑन द हॉरिज़ॉन, आप किसी से मिल सकते हैं, आपके जो रिलेटिव्स हो सकते हैं, बात हो सकती है, ठीक है। एंड न्यू एक्सपीरियंसेस, एंड अगर आप सिंगल हैं तो अच्छा टाइम है, आप किसी से मिल सकते हैं, किसी से बात हो सकती है। तो ये सारी एनर्जीज हमें दिखाई दे रही हैं फॉर द सेजिटेरियस। अब अगर स्पेसिफिकली रिलेशनशिप की बात करें, सेजिटेरियस ये हफ्ता आप सबके लिए कैसा रहेगा, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले हफ्ते में, ओके। एक्सप्रेस योर लव, सो एंजल्स आर टेलिंग यू टू एक्सप्रेस योर लव, बिकॉज आपके इस रिलेशनशिप में मुझे ऐसा लग रहा है देयर इज नॉट इनफ अट्रैक्शन और केमिस्ट्री। तो अब इस रिलेशनशिप में जो भी आप डील कर रहे हैं, चाहे आपके हस्बैंड हैं, स्पाउस हैं, कोई भी हैं, इस रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं मतलब वो केमिस्ट्री और वो अट्रैक्शन बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, या वो खो चुकी है, ठीक है। तो अब आपको दोबारा अगर बिल्डअप करना है तो यू हैव टू डिसाइड, क्योंकि एंजल्स कह रहे हैं क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट, आप क्या चाहते हैं, ठीक है ना। एक्सप्रेस योर लव, और अगर आप चाहते हैं इस रिलेशनशिप को, देन यू हैव टू एक्सप्रेस, गो अहेड एंड मेक द रोमांटिक गेस्चर। एंजल्स कह रहे हैं कि अगर आप इस रिलेशनशिप में एफर्ट्स पुट नहीं करेंगे, देन इट इज़ गॉन, इट इज़ लाइक कि यू हैव टू रिवाइव, आपको वो रिवाइव करना पड़ेगा। सॉरी टू से दैट, बट यस, ऐसी एनर्जीज हमें दिखाई दे रही हैं। अगर आप मान लीजिए कपल भी हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है इट्स अबाउट कि आप लोगों के बीच में वो दूरियाँ आ गई हैं। हो सकता है कि आप लोगों की जो यू नो मेंटालिटी एक दूसरे के साथ मैच नहीं हो रही, एक वो जो कनेक्शन है एक दूसरे के साथ नहीं है, आप लोगों के बीच में वो दूरियां आ गई हैं, और अब वो किसी वजह से भी हो सकती हैं। हो सकता है कि आपकी अपब्रिंगिंग अलग है, आपके पार्टनर की सोच बिल्कुल अलग है, ठीक है, इस वजह से ये दूरियां आई हैं। सो यू नीड टू मेक द एफर्ट, मेक द एफर्ट। एंजल्स कह रहे हैं कि जो भी सिचुएशन है, ठीक है, स्पेशली फॉर हस्बैंड वाइफ, नॉट फॉर सिंगल, सिंगल्स के लिए भी है, बट सिंगल्स के लिए ये है कि यस, आप डिसाइड कीजिए कि आप क्या चाहते हैं, सो दैट कि आपकी लाइफ में वो चीज़ हो पाए। आपको डिसाइड करना है व्हाट यू वांट इन योर लाइफ, ठीक है। बाकी सबके लिए मुझे ऐसा लगता है इट्स अबाउट मेकिंग द एफर्ट, लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू नो, यू आप फ्रेंड्स के थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हैं, आप इस रिलेशनशिप को सुधार सकते हैं। आपके पार्टनर की जो एनर्जी है, आई थिंक रेड फ्लैग्स, मुझे ऐसा लगता है इट्स अबाउट कि या तो उनको लगता है, शायद उनको ये लगता है कि
यू नो यू आर अ रेड फ्लैग. आप किसी के साथ डील कर रहे हैं, उनको ऐसा लगता है कि ये रिलेशनशिप सही नहीं है, या यू आर अ रेड फ्लैग. ठीक है, इन द सेंस कि कनेक्शन में होता है ना ग्रीन फ्लैग एक रेड फ्लैग, तो वो आपको रेड फ्लैग मानते हैं या आप उनको ऐसा सोचते हैं. तो ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं. सो रीट्रीट, हो सकता है इट्स टाइम टू लाइक यू नो कि आप लोगों के बीच में मुझे वो एक डिसकनेक्टेड सी एनर्जी दिखाई दे रही है. सो इफ़ यू वॉन्ट टू कैरी दिस फॉरवर्ड, तो आपको वो रिलेशनशिप को रिवाइव करना होगा, तभी आई थिंक आने वाले टाइम में आप लोग दोबारा एक साथ आ सकते हैं. और जब तक खुल के बात नहीं होगी, कॉन्वर्सेशन नहीं होगी, आई डोंट थिंक कि उस चीज़ में फ़ायदा है जब तक आप खुल के एक दूसरे से बात ना करें. तो चलिए, ये तो हो गई रिलेशनशिप की बात. अब अगर बात करें करियर की, कि करियर वाइज आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेट अस फाइंड आउट. सो सेजिटेरियस के करियर में ओके, तो यहाँ पे हमारे पास कुछ होपलेसनेस दिखाई दे रही है. हो सकता है इट्स अबाउट अ पोजिशन और समथिंग, यू आर इनसिक्योर, फीलिंग इनसिक्योर, या हो सकता है आप किसी बात को लेके थोड़ा सा लाइक होपलेस फील कर रहे हैं, थोड़ा परेशान फील कर रहे हैं. नाउ इट्स अबाउट अ पोजिशन, मुझे लगता है आपको पोजिशन खोने का डर है या कुछ ऐसा है. ऑल दो यू आर डूइंग वंडरफुल, बट स्टिल मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि शायद कुछ है, लाइक किसी ने अल्टीमेटम दिया है या ऐसा कुछ है. और मे बी इट्स अबाउट कि यू नो राइट अपॉर्चुनिटी, हो सकता है आप थोड़ा सा आगे के लिए थोड़ा वरिड हो रहे हैं, चिंता हो रही है आपको. ऑल दो पूरी तरह से सिचुएशन लूज नहीं हुई है, ऐसा लगता है स्टिल देयर इज समथिंग. हो सकता है कि आने वाले टाइम में और चीज़ें आए. अब कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि आप अपने फाइनेंसिस को लेके भी थोड़ा सा टेंस्ड हैं कि कैसे हो पाएगा. ऑल दो आपकी यू नो पोजिशन सिक्योर है, बट कुछ है आपके मन में, फियर्स हैं, यहाँ पे डाउट्स दिखाई दे रहे हैं. मुझे ऐसा लगता है सेजिटेरियस, मे बी इट्स अबाउट दैट यू आर नॉट फुल्ली सेटिस्फाइड, या हो सकता है कि कुछ है चीज़ें, इट्स अबाउट अपील, कि हो सकता है कि आपको किसी बात की चिंता है. मे बी इट्स अबाउट अ हाउस और मे बी इट्स अबाउट समथिंग, आपको डर है कि आप कुछ खो ना दें, या हो सकता है कि इट्स अबाउट एन एंडिंग, आपको डर लग रहा है किसी बात का, यू नो. तो ऐसी एनर्जीज हमें दिखाई दे रही हैं, एंड यू आर डेफिनेटली वरिड अबाउट समथिंग. ये हफ्ता ऐसा लगता है कि डिसअपॉइंटमेंट किसी बात को लेके. अब वो कोई मैसेज भी हो सकता है कि या तो आपको कुछ यू नो लाइक कोई ऐसा मैसेज मिला है, और या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए, एवरीथिंग टर्न्स आउट टू बी फाइन. चलिए थोड़ा सा और देख लेते हैं व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट, और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन योर करियर. ओके, सो यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ का कार्ड आ रहा है, सो व्हाई आर यू वरीड, एंजल्स कह रहे हैं. ठीक है, कि अगर आप मतलब घबराइए मत, आप जो चाह रहे हैं उससे भी अच्छी और अपॉर्चुनिटीज़. क्यों? क्योंकि न्यू डोर्स नंबर 24 वी आर गेटिंग, इट्स वेरी ऑस्पिशियस. हो सकता है कि कुछ और अच्छा हो जाए, क्योंकि पहले भी हमारे पास ओवरऑल एनर्जी में भी अपॉर्चुनिटीज़ का कार्ड आया था. इसका मतलब ये है कि आने वाले टाइम में समबडी कैन हेल्प यू, एक्शन का टाइम है. इट्स टाइम फॉर एक्शन, इट्स टाइम फॉर फॉरवर्ड मूवमेंट. ओके, सो आने वाले टाइम में कुछ नए दरवाजे खुल सकते हैं, एंड मे बी हो सकता है कुछ अनलॉक हो सकता है. आप एक जगह फिक्स्ड हैं, बट अब एंजल्स आपके लिए और यू नो दरवाजे खोल रहे हैं. ये एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, आप खुद देख सकते हैं. सो मेनी डोर्स अनलॉकिंग. ठीक है, अब उसमें से कोई भी राइट अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ सकती है जो आपके लिए सही है. ठीक है ना, सो मुझे ऐसा लगता है कि एक्साइटिंग टाइम है आगे का. बस आपको अभी फ़िलहाल अपनी अपना ख्याल रखना है, यू नो अपनी हेल्थ का ख्याल करना है. हो सकता है बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके हों, सो घबराइए मत, चिंता मत कीजिए. जो भी सिचुएशन है, बेखौफ होके आगे बढ़िए, एंड आई थिंक देयर इज़ लॉट मोर. लाइक जिस तरह की आप जॉब आप रिक्वायर कर रहे हैं ना, लाइक यू आर यू नो थिंकिंग अबाउट समथिंग स्पेसिफिक, आप कुछ स्पेसिफिक सोच रहे हैं कि इस तरीके का हो, तो आई थिंक कोई आपकी मदद कर सकता है इसमें. समबडी कैन हेल्प यू आउट. और हो सकता है कि आपके कोई क्लोज्ड वन हो, या आप चाहे ना भी जानते हो, बट वो चीज़ आपको दिखेगी कि आपकी कोई मदद कर रहा है. सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर योर करियर, एंड आई थिंक कि ओवरऑल एनर्जी तो अच्छी दिखाई दे रही है. व्हाट यू नीड टू फोकस अपॉन, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपको किस चीज़ पर फोकस करने की ज़रूरत है. ओके,
ओके सो जजमेंट का कार्ड आ रहा है. आई अंडरस्टैंड दैट एवरी वन हैज़ देयर ओन यूनिक पाथ एंड चैलेंजेस. तो एंजल्स कह रहे हैं कि ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि हर इंसान का अपना पाथ है और अपने चैलेंजेस हैं. और इमेजिनेशन को अपनी बहुत क्लियर रखिए. आप क्या इमेजिन करते हैं, कई बार तो चीज़ें हम बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो यू नो इमेजिन कर करके ही ख़राब कर देते हैं. मतलब ऐसा होता नहीं है लेकिन वी इमेजिन अ लॉट. अब वो किसी पर्सन के बारे में हो सकता है या किसी सिचुएशन के बारे में हो सकता है. तो जो भी इमेजिन कर रहे हैं अच्छा सोचिए, उसको नरिश कीजिए, ठीक है. क्रिएटिव होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए. जो भी आप इमेजिन कर रहे हैं शुड बी वेरी पॉजिटिव, ठीक है. सो ये एंजल्स आपको कहना चाह रहे हैं. एंड प्लीज़ डोंट जज अदर्स, किसी को जज मत कीजिए यहाँ पे एंजल्स कह रहे हैं, क्योंकि सबकी लाइफ में अपने चैलेंजेस और सबके अपने अपने पाथ हैं. सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल यू पीपल. आई होप आपको आज की रीडिंग पसंद आई हो और हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा. मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते. टिल देन टेक केयर.